हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? फिर से आ गया हूँ आपका टेक्निकल दोस्त जॉयदीप और एक कियोसेरा टक्सल्फा रिलेटेड टेक्निकल वीडियो लेके। तो आज का वीडियो क्या है? आज का वीडियो है आईडी कॉपी। कोई भी आई कार्ड आपके पास आए तो आप कॉम्बाइन को यूज़ करके कैसे उस आईडी कॉपी को बेस्ट कॉपी कर सकोगे। एक आपको दिखाऊंगा ऊपर नीच करके और एक दिखाऊंगा राइट लेफ्ट करके एक ही पेज के सामने और। ठीक है, तो चलो मेन वीडियो पे जाते हैं। मेन वीडियो पे जाने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है, मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और सब्सक्राइब जिन्होंने कर चुका हो उन्होंने मेरे वीडियो को कैसे लगा आपको मेरा वीडियो वो ज़रूर कमेंट बॉक्स पे बता देना और ढेर सारा प्यार बांटते रहना। तो चलो मेन वीडियो पे जाते हो। मैं मशीन पे आ गया हूँ। चलो अब मशीन स्लिप मोड पे है, इसको मैं ऑन करता हूँ। देखो ऑन होते होते मैं देख लूँ, एक आई कार्ड मैं ले लिया। अब देखो मैं पहले दिखाता हूँ आपको ऊपर नीच करके आई कार्ड बेस्ट वे पे कैसे करो कॉम्बाइन को यूज़ करके। ठीक है, पहले देख लो मेरा जो नीचे का जो ये मेन ट्रे है इसमें देखो ये A4 लैंडस्केप वाला मोड पे हर वक्त रहता है। ठीक है, ये पहले सेटिंग देख लिया। अब देखो ये जो आई कार्ड को मैं ये जो सिंबल मार्किंग दिया हुआ है, देखो ये जो मार्किंग दिया हुआ है उसके ठीक बीच में मैं इसको रखता हूँ। ठीक है, ये मैं दिखा रहा हूँ, परफेक्शन आना ज़रूरी है कोई भी काम करने के लिए। ठीक है, परफेक्ट आएगा। अब कॉम्बाइन पे आओ, ओके करो, उसके बाद डाउन एडो यूज़ करके 2-in-1 को सिलेक्ट करो। 2-in-1 सिलेक्ट हो गया है। अब चलो फंक्शन मेनू, ओके करो, उसके बाद डाउन की को यूज़ करके ओरिजिनल साइज पे आओ। ओरिजिनल साइज का A6 को चुनो, A6 लैंडस्केप मोड को चुनो, A6 लैंडस्केप मोड ओके करो, हो गया है। अब चलो स्कैन करो। देखो ये एक साइड का स्कैन हमारा हो गया है। अब चलो ठीक जो प्लेस पे है उस प्लेस का आप पलट दो। ठीक है, ये आई कार्ड का जो मार्किंग दिया हुआ है इसका अंदर रहना जरूरी है, उससे परफेक्शन अच्छा रहेगा। अब ओके करो, स्कैन। देखो ये बोथ साइड का स्कैन हो गया है। अब ओके करने से कॉपी निकलेगा, ओके करो। देखो आपका आई कार्ड का कॉपी कितना बेहतर और बड़ा आएगा, देख लो कैसे मस्त आई कार्ड का कॉपी आया है। ये आप वोटर कार्ड कर सकते हो, छोटा छोटा वाला आधार कार्ड कर सकते हो। ठीक है, कोई भी आई कार्ड कर सकते हो। ठीक है, मैं ऊपर नीच का जो बेस्ट वे मैं आपको दिखा दिया, इसमें थोड़ा सा बड़ा भी आएगा, ठीक है, और बेस्ट कॉपी आएगा। अब चाहे तो आप ये जो सेटिंग्स मैंने किया इस सेटिंग्स को आप ये प्रोग्राम मेनू पे सेव करके रख सकते हो। मैंने एक वीडियो पहले डाल दिया था प्रोग्राम मेनू में कैसे हम सेटिंग को कोई भी पेज सेटिंग को हम सेव करके रख सकते हैं, कैसे वो मैं दिखा दिया। फिर भी एक बार छोटा करके एक बार आपको दिखा रहा हूँ। प्रोग्राम मेनू पे ओके करो, ओके। अब मेरा देखो पहले एक लीगल का सेव किया हुआ है। अब मैंने डाउन की पे आ रहा हूँ, नेक्स्ट पे देखो 2 पे मैं ओके करूँगा। ओके करने से ये ऐड आएगा, इसको मैं ऐड करूँगा। ठीक है, अब प्रोग्राम नेम चाह रहा है, मैं इसमें देखो आईडी लिख रहा हूँ, आई स्पेस दो डी डी
स्पेस दो और ओके करो। ठीक है, देखो ये जो प्रोग्राम मेरा सेट हो गया है, ठीक है, मैं प्रोग्राम मेनू भी सेट करके दिखाया। अब चलो कॉम्बाइन का 4-in-1 सेक्शन को चुन के मैं ये आई कार्ड को कैसे एक पेज का सामने पेज का मैं कैसे लेफ्ट राइट कैसे करूँ। चलो दिखता है दूसरा सेटिंग। देखो पहले मैं इसको रिसेट करता हूँ, कॉपी में आता हूँ, सॉरी कॉपी में आता हूँ, आ गया है कॉपी में। इसके बाद रिसेट हो गया है। अब देखो ये जो आईकट, पहले देखो मेरा ये लैंडस्केप A4 लैंडस्केप में भी रह रहा है जो मेन ट्रे है। ठीक है, अब देखो इस कॉपी को ऐसे लो, ऐसे पलट दो, थोड़ा सा गैप रखो परफेक्शन के लिए, थोड़ा सा गैप रखो। देखो एक अंगुल का थोड़ा सा गैप रखो, ठीक है, बेस्ट आएगा। अब क्या करना है, कॉम्बाइन में जाना है। ये देखो लेफ्ट और राइट में आएगा पेज में, कॉम्बाइन में जाके आप डाउन की डाउन एरो को यूज़ करो, 4-in-1 को चुनो, 4-in-1 को चुन लिया। ठीक है, हो गया है। अब जाना पड़ेगा फंक्शन मेनू, ठीक है, फंक्शन मेनू पे जाके ओरिजिनल साइज पे आओ, ओरिजिनल साइज आ गया है। अब A6 लैंडस्केप मोड, A6 लैंडस्केप मोड मैं चुन लिया। अब क्या करना है ध्यान से देखो, यही मेन चीज है, ये लेफ्ट टू राइट करने के लिए फंक्शन मेनू पे फिर से आओ, ओरिजिनल साइज को छोड़ दो, ये देखो ओरिजिन ओरिएंटेशन जो है इसको ओके करो। ठीक है, टॉप एज ऑन टॉप ये डिफॉल्ट सेट हुआ है, इसको नहीं लेना है। डाउन की पे आओ, टॉप एज ऑन लेफ्ट इसको ओके करो। ठीक है, ये सेटिंग हो गया है। अब चलो स्कैन, एक साइड का स्कैन हो गया है हमारा। चलो वैसे भी ठीक जहां पे है इस अवस्था में इसको पलट दो। ठीक है, यहां भी देखो, यहां पे जो गैप रहना चाहिए ये पहले के तरह सेम गैप रहना चाहिए। ठीक है, हो गया है। चलो दूसरे साइड भी स्कैन करते हैं, हो गया है। अब ओके करो, मैं ओके कर दिया हूं। देखो हमारा कॉपी अब कैसे आता है, देखो ये लेफ्ट टू राइट कैसे एक ही पेज के में अंदर आ गया है। ठीक है, ये आप कोई भी आई कार्ड कर सकते हो, आप चाहे तो रेशन कार्ड भी कर सकते हो। ठीक है, दिखा दिया। और देखो इसको भी तुम चाहो तो इसको भी तुम सेव करके रख सकते हो, जैसे मैं पहले दिखाया था। ठीक है, वैसे प्रोग्राम मेनू पे जाओ, जाओ उसके बाद देखो मैं लिखा, पहले सेट हुआ था 2 में आईडी आ गया है, 3 में मैं इसको सेव करके दिखाता हूँ। ऐड करो ये जो नेम चाह रहा है इसमें देखो आईडी 2 में कर रहा हूँ, ये आई उसके बाद स्पेस उसके बाद डी उसके बाद स्पेस उसके बाद ये 2। अब इसको ओके, देखो मेरा डिफ़ॉल्ट में सेट हो गया है आईडी 2। आप चाहे तो कोई भी कॉपी आए, आई कार्ड का कोई भी कॉपी आए, ये आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हो लेफ्ट टू राइट, और चाहे तो बड़ा करके ऐसे भी कर सकते हो। मैं दोनों को ही आपको दिखा चुका हूँ। ठीक है, अब आपको जो अच्छा लगे आप उसको कर सकते हो। ठीक है, तो चलो। तो फ्रेंड कैसा लगा मेरा आज का ये आई कार्ड वाला वीडियो, मैं कैसे कॉम्बाइन को यूज़ करके आपको बेस्ट आई कार्ड का फोटोकॉपी करके सिखाया, और सिर्फ करके सिखाया नहीं, उसको कैसे प्रोग्राम मेनू में सेव कर सको ये भी दिखा दिया। तो इतनी तक मेरा आज का ये वीडियो है, और
ढेर सारा प्यार बांटते रहो और इंतज़ार करो नेक्स्ट टेक्निकल वीडियो का। नेक्स्ट जो टेक्निकल वीडियो आ रहा है वो एक ज़बरदस्त टेक्निकल वीडियो होगा, ठीक है? तो मेरे कीप इन टच, मेरे साथ रहो जब तक मैं हूँ। केओ से रिलेटेड कोई भी टेक्निकल वीडियो आप पाते रहोगे, ठीक है? तो आज का ये एक्सक्लूसिव वीडियो आपको कैसा लगे ये ज़रूर कमेंट बॉक्स के डालते रहना। तो आज के लिए टाटा, बाय, शब खैर।